नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं बनाने वाली हूँ उत्तराखंड की एक ऑर्गेनिक डिश, मतलब जंगली डिश। और ये एक है, इसे गेंठी बोलते हैं, और ये मेरी दीदी गैरसैंण में थी, उन्होंने दिया है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऑर्गेनिक सब्जी है, मतलब जंगली सब्जी है ये, मतलब कोई इसका कोई उगाई नहीं जाती, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। इसकी सब्ज़ी बहुत ही शुद्ध अच्छी होती है। तो मैं इस डिश को बनाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको हम जैसे हम आलू के गुटके बनाते हैं, सेम उस तरह से बनाना है। तो सर्वप्रथम इसको हमको बॉईल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसे कुकर पर रख के इसको 2 से 4 सीटी दे देंगे। और ये देख सकते हो कि हमने इतना पानी इसमें भर दिया है, और कम से कम 5 से 6 सीटी इस पर लगाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। फिर उनको छील लेंगे और अच्छा सा हम इसके साग बना लेंगे, या फिर हम गुटके की तरह से बना सकते हैं। और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस डिश है, बिकॉज़ ये इसमें कोई भी खाद, कोई भी यूरिया या कुछ भी इसमें नहीं डाला है। ये अपने ऑर्गेनिक तरीके से उगी है और इसको निकाला गया है। तो हम इसको करते हैं बंद। और आप देख सकते हो कि कम से कम 6-7 सीटियाँ आ चुकी हैं। अब हम इसे बंद कर देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे छील लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको कट कर लिया, इसको जो उबले हुए थे इसको छील के कुछ वो इस तरह से हो गया है। ये देख सकते हो आप, पूरे छिल दी हैं। और यहाँ पे किए चॉपिंग, तो यहाँ पे प्याज, 3 बड़े प्याज कट किए हैं, 2 टमाटर कट किए हैं, यह है करी पत्ता, ड्राई करी पत्ता, और मिर्ची लिया है, और अदरक। अदरक का यूज़ थोड़ा कम करूँगा, बिकॉज थोड़ा समर है तो थोड़ा ही हीट बढ़ाते हैं, तो उनका मैं कम यूज़ करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये गेंठी है इसे कट कर लूँगी, और फिर हम इसको बनाएंगे इसका एक साग। तो फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि जो गेंठी है यह पहाड़ की ऑर्गेनिक डिश है, बिकॉज़ यह जहाँ पर ठंडी जो इलाका होता है वहाँ पर होती है। तो ये गैरसैंण की एक ऑर्गेनिक डिश है। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देख सकते हो कि जो मेरी सब्जी है ये मैंने प्रॉपर कट कर ली है, जिस तरह हम आलू कट करते हैं उस तरह से मैंने आलू कट कर लिया है। और दूसरी साइड रख दिया है पैन। पैन में सरसों का 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अब यह तेल अच्छे से गर्म हो गया, बिकॉज सरसों का तेल तो अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है, और इसमें इसकी जो महक है वो आ रही है। तो अब हम डाल देंगे हींग। हींग क्या होता है, खाने को टेस्ट अच्छा करता है, और प्लस गैस के जो इश्यूज़ हैं वो नहीं होते। फिर हम अपने डालेंगे मैं तड़का, इसमें मैंने सरसों, मस्टर्ड सीड, जीरा पाउडर, जख्या, ये मैंने डाल दिया है। और जख्या, जख्या जो होता है यह भी एक उत्तराखंड का एक बीज है, और यह खाने को बहुत इन्हेंस करता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो मैं इसको भी ये डालूँगी। अब ये अच्छे से जो तड़का है वो पूरे से हो चुके हैं। अब मैं डालूँगी इसमें करी पत्ता। करी पत्ता ऑप्शनल है वैसे, जो ट्रेडिशनल डिश में यह नहीं पड़ता है, बट मैं अपने इसमें डाल रही हूँ, बिकॉज पहाड़ में करी पत्ता नहीं होता है, परंतु तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स उसमें बना रही हूँ, तो इसमें मैंने डाल दिया है। और अब मैं अपना डालूँगी अपने कटे हुए प्याज और अदरक। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, मसाले सिंपल रेगुलर मसाले। इसमें मैं डालूँगी 2 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून 1½ स्पून हल्दी, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, और थोड़े जो मसाले हैं इनको हम पका लेंगे। जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर। अब मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर, और इसको भी अच्छे से हम घुमा लेंगे। और जो टमाटर होते हैं वो आप कट करे करें, बिकॉज ग्रेवी ना बनाएं, बिकॉज ग्रेवी से टेस्ट में इतना इन्हेंस नहीं आता है। अब हम डालेंगे अपने कटे हुए आलूओं को, या गेंठी, एक जो पहाड़ी आलू बोल सकते हैं इसको, गेंठी बोल सकते हैं और अपनी डिश को। और इसको हम अच्छे से, जो हमने मसाला बना हुआ है उसको हम मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा, और इसमें हम डालेंगे पानी। पानी, गर्म पानी डालना है इसमें, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं, और इसकी एक अच्छी हल्की सी ग्रेवी वाली बनाएंगे, ताकि जो हम इसको रोटी या राइस के साथ खा सकें। तो इसको अभी हम लगा लेंगे, इसको हम ढक कर,
और इसको हम हल्के सी आंच में हम इसको हल्का हल्का पकाते रहेंगे। तो अभी हमारी सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है, हम चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो कि हमारी जो सब्जी है वो उसका जो पानी था पूरी तरह से सूख चुका है, और जो इसके ये थे ये भी अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसे गैस को हम बंद कर देंगे और अब हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ। धनिया से जो इसका फ्लेक है वो अच्छा आता है। और अब हम इसे करेंगे प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड की जो पारंपरिक सब्जी गेठी, आलू की तरह होता है ये सेम, बट ये थोड़ा सा टाइट होता है और जो ठंडे एरिया में पाया जाता है, और जो इसकी तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो गर्मियों के लिए बेस्ट है। तो ये है इसकी चटपटी सब्जी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा, और मैं इसी तरह के वीडियोस जो ट्रेडिशनल लोकल और हेल्थ से रिलेटेड, योगा ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो मैं बनाती रहती हूँ और अपडेट करती रहती हूँ अपने चैनल पे। और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।